खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के ग्राम परीक्षा की है, जहां गांव के सचिव ने ही बुजुर्ग महिला को चकमा दे दिया। यहां हम आपको बता दें, जिले में हर मंगलवार को जन सुनवाई में कई शिकायतें आवास को लेकर सामने आती रही। कार्यवाही के नाम पर शिकायतकर्ता को ठेंगा दे दिया जाता है, परंतु आज एक नया मामला सामने आया है, जहां आवास के पैसे तो हितग्राही के खाते में शासन ने डाले, परंतु बुजुर्ग महिला के साथ सचिव ने ठगी कर दी। बुजुर्ग महिला के अनुसार सचिव ने फरियादी को गुमराह कर 40,000 रुपए निकलवा लिए और महिला में धक्का देकर पैसे छीन कर भाग गया। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी महिला ने थाने में शिकायत की तो वहां कोई सुनवाई नहीं हुई, तो फिर आज मंगलवार को जन सुनवाई में एसपी कलेक्टर के यहां शिकायत की है। आगे देखना ये होगा कि सचिव पर क्या कार्यवाही की जाती है। नारानी कहाँ रहती हो? परीक्षा। आज एसपी ऑफिस आयो, क्या समस्या लेके आयो? जो समस्या लेके आए के 10,000 तो निकला है डाक द्वारा। काई के पैसा? सरकारी कुटी के पैसा है। अच्छा, हाँ। कौन ने निकाले? हेमंत सेक्रेटरी ने मुझे ले ले मुझसे निकला। कैसे? के मुझे कही के 10,000 तू वहाँ से निकाल ला डाक द्वारा, सुबह निकाल लाई, फिर बैंक में लेगा, सो बैंक से निकलवा 30,000, ऐसे 40,000 लेगा और बाहर आके बैंक से ऐसे अबे भैया बैठे ऐसे रोड पर लाए, कोई नहीं आता है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।